एम्स। तो भाई यहाँ पे एक मोल के लिए करेक्शन आता है ए अपॉन वी स्क्वायर के बराबर, दिस इज अगेन फॉर वन मोल, और एन मोल्स के लिए ये आएगा पी प्लस ऑफ एन ए बाय वी स्क्वायर के बराबर, ये जाएगा एन मोल्स के लिए। ये करेक्शन आ जाता है आपके पास, ये आपका एन मोल्स का करेक्शन आ गया, ये भी आपका एन मोल्स का करेक्शन आ गया। तो फिर अब जो रियल गैस के लिए जो इक्वेशन बनती है, जो गैस इक्वेशन बनेगी रियल गैस की, तो PV इक्वल टू nRT की जगह P की जगह वो आ जाएगा करेक्शन फैक्टर, V की जगह करेक्शन फैक्टर इक्वल टू nRT आ जाएगा। सिंगल मोल के लिए सिंगल मोल का यूज करेंगे, सो फॉर वन मोल ये कितना होना चाहिए P प्लस ऑफ A अपॉन V स्क्वायर इनटू V माइनस ऑफ B, दैट शुड बी इक्वल टू RT, n इज इक्वल टू 1 के लिए। और अगर आप n मोल्स के लिए बात करते हैं, ये होना चाहिए p plus of n a by v square into v minus of n b, and that should be equal to n r। तो ये हो जाती है real gas की equation basically with the correction factor। जैसे मैंने आपको बोला था volume correction में जो b factor है वो compressibility को बताता है basically, और ये जो आपका a factor है ये किस पे depend करता है, force of attraction, उसका pressure कितना लगता है। force of attraction पे क्या depend आएगा कि भाई जो size of the molecule, जो size of the gas है वो कैसे matter करेगा basically। ये आपको यूजुअली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता है, और वापस ये भी सिर्फ नेचर पे डिपेंड करता है, बाकी किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा। आया समझ में कि नहीं आया? अब आपको यूजुअली स्कूल में एग्जाम में ये न्यूमेरिकल जो आता है इसके ऊपर यूजुअली आता है, एन मोल से ए मोल से आपको ए और बी की वैल्यू दे दी जाती है, आपको फिर प्रेशर निकालना है या वॉल्यूम निकालना है, वैसे भी निकालने को बोल देते रियल गैस। क्वेश्चन में ध्यान रखना रियल गैस मतलब क्या चीज है, आइडियल गैस मतलब कि वी कोड एनर्जी मात्रा में सिंगल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, और डेविएशन होगा तो अलग अलग तरीके से डेविएशन हो सकता है। अगर z इज ग्रेटर देन 1 तो इसको कहा जाता है पॉजिटिव डेविएशन, एंड इफ z इज लेस देन 1 इसको कहा जाता है नेगेटिव डेविएशन। डेविएशन फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर, कि उससे ऊपर जा रहा है उससे नीचे जा रहा है बेसिकली। आज मैं यहां पे चैप्टर खत्म करता हूं, कुछ है ही नहीं इसके अलावा, बड़ी सिंपल सी चीज है, कर लेंगे। गर्मी लग रही है आज, कल उसके कारण बहुत ह्यूमिडिटी हो गया, बारिश के कारण बहुत ज़्यादा।